नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ सफीतो के जन्मजय स्टेडियम पर, जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अध्यात्मिकता मेला लगा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर की अलग अलग तरह की स्टाले लगी हुई है। अलग अलग हमारे साथ अभी मौजूद है करण जी, इनसे जानते हैं सफीदो में ही ऐसा मेला, सफीदो को ही चुना गया कि जो सफीदो में ऐसा मेला लगाया गया। सबसे पहले आपका स्वागत है कंचन टीवी पर। धन्यवाद। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू हेडक्वार्टर से, मैं करण भाई। ये मेला जो है, ये 25वां मेला है इस तरह का, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेला। ये भारत के अनेकों शहरों में लगाया गया। सफीदो जैसे शहर में इसलिए लगाया गया कि ऐसे शहर में इस प्रकार के आयोजन बहुत कम होते हैं, तो ऐसे छोटी जगहों पर भी लोगों को एक आध्यात्मिकता का संदेश मिले और आज के नौजवान पीढ़ी के अंदर आध्यात्मिकता के प्रति एक जागृति पैदा करना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि आज मोबाइल, टीवी और अनेक प्रकार के व्यसनों में हमारी युवा शक्ति भ्रमित होती जा रही है। हमारे साथ अभी मौजूद है पंजाब जोन के मैन हेड जो। हमने तो ये मेला जो है बहुत जगह पर लगाया है, और पानीपत में भी लगाया था, और सबसे पहले 3 साल पहले जब ये मेला बनाया गया था तो चंडीगढ़ में इसका राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन हुआ था। तो इसलिए जहाँ पर भी, राजस्थान में भी कई जगह पर लगाया गया, तो जहाँ जहाँ पर इसकी डिमांड आती है हमारे पास और वो व्यवस्था करते हैं इसके लिए, तो वहाँ पर हम देख करके समय निश्चित कर लेते हैं और वहाँ पर मेला जो वहाँ पर लगा देते हैं। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, जैसे एक स्टाल व्यसन मुक्ति है, व्यसनों से मुक्त कर देती है, इतनी प्रेरणा मिलती है। एक स्टाल इसमें आत्म दर्शन है, उसमें आत्मा की अनुभूति कराई जाती है। हम अपनी कंचन फाउंडेशन की तरफ से लोगों को हेल्थ के लिए प्रेरित करते हैं। सिलाई सेंटर खोल चुके हैं और अब ये ओम शांति का आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, तो उसमें भी हम अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। और 22 तारीख से लगातार हम अपनी सेवाएं यहाँ वैल्यू गेम्स के अंदर दे रहे हैं। उससे प्रेरणा मिलती है कि हम परमात्मा के नज़दीक कितना पहुँचेंगे, हमें परमात्मा क्या आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें कैसे शांति मिलेगी, हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर 6-7 हज़ार नहीं, यहाँ पर लगभग पहले दिन तो 6 हज़ार, दूसरे दिन लगभग 12 हज़ार, दिनों दिन रोज़ भीड़ बढ़ती जा रही है। कई बार तो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बहुत लोग आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा जन सैलाब उमड़ के आ रहा है यह चीज़ देखने, क्योंकि सफीदों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मेला लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जो ये सफीदों में मेला लगा है, इससे जनता पर किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा? शांति के लिए पूरे विश्व में भागा दौड़ मची हुई है, और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी पद पर बैठा हुआ है, चाहे वह व्यापारी है, धनाढ्य है, मजदूर है, किसान है, या अधिकारी वर्ग से है, या राजनेता है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति चाहिए आखिर में। और ये ब्रह्म कुमारी विश्व जो आबू से शुरू, पिताश्री ब्रह्मा ने शुरू किया था, तो उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरह से अध्यात्म के द्वारा विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो, ये लक्ष्य है। और पूरी तरह से ये मिशन लंबे समय से पूरे विश्व में ये कार्य कर रहा है। सफीदों की यह सौभाग्य है जो सफीदों में यह मेला लगा है, जनता इसे पूरी जागरूक हो जाएगी? नहीं, फ़र्क पड़ता है। बार बार के मेले और कार्यक्रम करने से लोगों के मन और चेतना पर असर पड़ता है, और आत्मसात करने का जो बड़ा पुराना अध्यात्म का हमारे भारत और उसकी जो देन है, मेडिटेशन के द्वारा आत्मसात होने का भी इस मिशन के पास पूरा का पूरा सिस्टम है। कंचन टीवी के माध्यम से आप लोगों को क्या प्रेरणा देते हैं? यही है कि जैसे कंचन टीवी लंबे समय से बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है सामाजिक दृष्टि में भी, कि यहाँ जो आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, इससे लाभ उठाएं, इनके शिक्षा लेकर के एक सदाचार पवित्रता जो सबसे ज़्यादा इस मिशन में है, वो सारा लेकर के अपने जीवन को शरणमय युग के लिए तैयार करें। कंचन टीवी बात करने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बचन सिंगारिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आध्यात्मिकता परम परमात्मा का एक रूप है और वो लोगों को ही हर तरह से उत्साहित
करते हैं। ज़्यादा तेज़ खबरों के लिए देखते रहे कंचन टीवी। मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी।